जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अर्थ मोटिवेशन पर। प्यारे बच्चों, हम एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूँ जो स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है और सूत्र पर लगाए रहते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। ये ग्रुप डी में प्रश्न आया हुआ है प्यारे बच्चों, आइए इसको हम 5 से 6 सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, बिंदु 2.4 तथा 1.-4 को मिलाने वाली रेखा को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। प्यारे बच्चों, इसको जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारा बॉल लॉन्ग जाएगा। हम इसमें एक छोटा पॉइंट देखेंगे, जब कहीं भी कह रहा है एक्स अक्ष, प्यारे बच्चों एक्स अक्ष को हम मानेंगे वाई, कह रहा है वाई अक्ष पर वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, वाई अक्ष को हम मान लेंगे एक्स अक्ष। हमारा एक्स अक्ष क्या होता है, अगर कहीं पर एक्स अक्ष हो तो होता है अंतर्विभाजित, क्या होता है अंतर्विभाजित, और वाई अक्ष कहे तो बाह्यता विभाजित। इसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अब कह रहा कि वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम वाई कहेगा तो हम एक्स को मान के लगाएंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा एक्स वन होता है, ये वाई वन होता है, ये एक्स टू होता है और ये वाई टू होता है। अब एक्स देखेंगे प्यारे बच्चों, एक्स हमारा कितना है 2, तो 2 हो जाएगा अनुपात। दूसरे में देखेंगे एक्स कितना है 1, तो हमारा आंसर होगा 2:1। प्यारे बच्चों, देखते ही देखते हम कैसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, आंसर जो होगा 2:1, ना कि हम लॉन्ग विच से लगाएंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 को और चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु x, y तथा y, x को मिलाने वाली रेखा को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बताया जब y कहेगा तो x मान लेंगे, x कहेगा तो y मान लेंगे। ये प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। x अक्ष को अंतर्विभाजित कहते हैं, y अक्ष को बाह्यता विभाजित कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कह रहा, बाह्यता क्या कह रहा, वाई इस पे क्या कह रहा प्यारे बच्चों, यानी कि बाह्यता विभाजित, यानी बाहर बाहर का विभाजित होगा। हम वही प्रक्रिया करेंगे, क्या कह रहा है वाई, वाई को क्या मानेंगे एक्स, तो हमारा ये मानेंगे एक्स वन होता है, ये होता है एक्स वन वाई वन होता है, ये एक्स टू और ये वाई टू। अब कह रहा है कि वाई अक्ष, तो वाई को हमने क्या कहे प्यारे बच्चों, कभी भी प्रश्न में वाई कहे तो उसको हम एक्स मान लेंगे, तो एक्स हमारा कितना है एक्स है, यानी कि एक्स वन कितना है एक्स है, तो लिखेंगे एक्स अनुपात है, और दूसरे में देखेंगे एक्स कितना है वाई है, यानी कि एक्स टू कितना है वाई, तो हमारा जो होगा एक्स अनुपात वाई। अब प्यारे बच्चों कह रहा है बाह्यता, तो हमने क्या कहा वाई अक्ष पर बाह्यता होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाह्यता, हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, बिंदु ए पर 5.10 तथा बिंदु बी पर 5.-7 को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में। हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, एक्स कह रहा, आपकी क्या कह रहा है यहाँ पर एक्स कह रहा, क्या कह रहा एक्स कह रहा, तो एक्स को हम वाई मानेंगे, एक्स को क्या मानेंगे प्यारे बच्चों वाई मान के लगाएंगे, वाई मान के लगाएंगे प्यारे बच्चों। हमारा क्या होता है, ये होता है एक्स वन वाई वन एक्स टू और वाई टू। अब एक्स अच्छा कह रहा है तो एक्स को हम वाई मानेंगे, वाई वन हमारा कितना है 10 है, यहाँ पर 10 लिख लेंगे अनुपात, और वाई टू कितना है माइनस सात। प्यारे बच्चों -7 आ रहा है, अगर माइनस में आता है प्यारे बच्चों तो हम माइनस नहीं लिखेंगे, उसको प्लस मानेंगे। प्यारे बच्चे जो आसन होगा हमारा 10:7 आसन नंबर डी, कह रहा है एक्स अक्ष को बोलते हैं अंतर्विभाजित, क्या बोलते हैं अंतर्विभाजित। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं
आप सबको ये प्रश्न देखकर अच्छा लगेगा और इतने जल्दी सॉल्व करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते।